एक सच्ची बात बताऊं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं करता जो सच है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं करता, ये सारा कुछ मेरी मम्मी करती है। मैं वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं करता। और ये जो पीछे पेंटिंग लगी हुई है, इसको इग्नोर करना। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमको निकलना है 7 बजे मक्का के सफर के लिए। तो मुझे 1 साल हो चुका है मैंने उमरा नहीं किया, जब से कोरोना आया था तो तब से मैंने उमरा नहीं किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांस मिल गया। और अभी सऊदी अरबिया में अपना वैक्सीन भी लगा रहे हैं, 12 साल के ऊपर वाले जो भी हैं लड़के उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो मैंने भी पहले फुर्सत में जाकर मैंने लगवा दिया, और हरब भी नहीं जाने दे रहे थे तो मैंने कहा चलो अभी वैक्सीन लगवा ही देते हैं, क्योंकि अब सारा उन्होंने मतलब सारा वैक्सीन का कर दिया। फिर मैं भी गया वैक्सीन लगवाने, तो अब मैंने वैक्सीन लगवा दी थी। तो फिर अब आज मुझे उमरे के लिए मिल गई अपना परमिट, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहाने और फिर आपसे मुलाकात करते हैं एहराम पहनने के बाद। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेडी हो चुका हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो अभी हम कुछ देर में निकल जाएंगे उमरे के लिए अपने सफ़र के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने शायद उमरा 1 साल या 1.5 साल पहले किया था, और उसका व्लॉग भी मैंने शायद डाला था। व्लॉग के बाद भी मैंने एक अपना उमरा किया था। तो अभी 1.5 साल बाद कोरोना के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे चांस मिल गया उमरा करने के लिए। तो बस यही दुआ है कि ये कोरोना ख़त्म हो, तो फिर दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हैं और पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे दूसरे मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं जो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। तो बस यही दुआ है कि ये कोरोना ख़त्म हो, फिर दूसरे लोग भी उमरा करने आए। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अब चलते हैं। तो फिर हम आखिर कर हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू होने के बाद हम मस्जिद मीकात गए, वहाँ से हमने अपनी उमरे की नीयत की और फिर हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। सफ़र वैसे बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब मुझे आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, तो नींद भी बढ़िया आ रही थी। लेकिन मैंने कोशिश की नहीं सोऊं, लेकिन मैं सो गया था। जो भी, खैर सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। तो फिर एक लंबे सफ़र के बाद मैं एक स्टॉप में रुका। तो अभी हम यहाँ पर सास्को में रुके, मदीना मक्का के बीच में सबसे फेमस मतलब स्टॉप बोले तो ये सास्को है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मतलब अभी रश नहीं है जो पहले होती थी यहाँ पर, और मतलब बिल्कुल खाली है। यहाँ पर पहले सुबह शाम रश होती थी, सुबह शाम। अभी हम देखें क्या लेंगे, अलबेक लें, अलबेक भी है यहाँ पर, बास्केट रॉबिन्स भी है, सबवे भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या लेते हैं। अगर आप में से किसी ने भी मक्का मदीना का सफ़र किया है और अगर आपने अलबेक नहीं खाया इस सफ़र के बीच में, तो मतलब आपका ये सफ़र अधूरा रह गया है, मतलब ये पूरा नहीं हुआ सफ़र। अलबेक ऐसा समझें, ये भी एक मतलब पाकिस्तानियों के लिए ख़ास कर एक रस्म है, रस्म और रिवाज है। मतलब यहाँ से अलबेक नहीं खाया तो मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया, और आपने मतलब ये सफ़र मतलब आपका अधूरा रह गया। तो प्लीज़ जब भी आएँ आप इंशाल्लाह, जब ये कोरोना ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर आइएगा, तो आप अलबेक खाइएगा ज़रूर। ये देखें इसके बिना मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ से फिर कुछ खाना लेने के बाद फिर हम फिर से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। फिर एक लंबे सफ़र के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुंच गया।
अभी मैं पहुंच गया हूं मक्का अल्हम्दुलिल्लाह। सामने आप देख सकते हैं मक्का टावर भी आप देख सकते हैं शायद। यहां मैं वज़ू कर रहा था अंदर, शायद हरम में शायद वज़ू नहीं खुला हुआ, तो यहां पर हम वज़ू करके अब जाएंगे, टैक्सी लेंगे, टैक्सी से फिर हम हरम जाएंगे। मैं इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा वहाँ, और मैं अपने कैमरा भी नहीं ले जा रहा वहाँ हरम के अंदर। मैं अपना कैमरा शायद गाड़ी में रख दूँ, तो मैं अपने फ़ोन से शायद आके वीडियो भरूँ। तो हम चलते हैं हरम में, आपको मिलते हैं। मक्का एक बड़ा अजीब शहर है। इस शहर के घर, इस शहर के पहाड़ बिल्कुल अजीब होते हैं। और यहाँ पर जब भी मैं मक्का में आता हूँ उमरा करने के लिए, अजीब सी फीलिंग आती है मक्का में। मैं मदीना में भी रहा हूँ, ताकि मैं बचपन से ही मैं अपने मदीना में रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं मक्का जाता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। और उन फीलिंग आज तक समझ पाया, और मैं समझता हूँ शायद दूसरों को भी आती होगी वो फीलिंग। तो एक अजीब सी फीलिंग होती है मक्का में। खैर, मक्का एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अजीब शहर है, और बहुत खूबसूरत और प्यारा शहर भी है। तो जब मैं हरम पहुंचा था, तो पहले मैंने अबू उमरा करने गए थे। असल में वहाँ मतलब छोटे बच्चे अलाउ नहीं है, 12 साल से नीचे वाले। तो मेरी बहन थी, तो हम अपनी बहन के साथ बैठे बाहर, और मैंने अबू उमरा करने गए, फिर मैं उमरा करने गया। मैंने अपना उमरा कर लिया, और अभी मैं बाल कटवाने जाऊंगा। तो अब मैं अपने घर नहीं जा रहा मदीना, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, और वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।